न्यू इंडिया है डेवलपमेंट की पहचान। आइए जानते हैं इस हफ्ते के डेवलपमेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री ने रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को संबोधित करते हुए कहा, वो भारत जो जातिवाद के जहर से मुक्त हो, नया भारत जो सांप्रदायिक वाद विवादों से परे हो, नया भारत जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान न हो, नया भारत जो देश के नौजवानों के सपनों के अनुकूल हो, नया भारत जहां बहन बेटियों का सम्मान हो, आदर हो, नया भारत जहां गरीबी से मुक्ति हो, नया भारत जहां गंदगी से मुक्ति हो, नया भारत जहां हर किसी को अपने सपनों के अनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त हो। थर्ड क्वार्टर में भारत की जीडीपी में 7.2% की वृद्धि हुई, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, और भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गांवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पहल शुरू की गई और उसे नाम दिया गया गोबर धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। इस गोबर धन योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे धन और ऊर्जा जनरेट करना। भारत में मवेशियों की आबादी लगभग 30 करोड़ है और गोबर का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 30 लाख टन है। कुछ यूरोपीय देश और चीन पशुओं के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने उमंग मोबाइल ऐप में ईपीएफओ लिंक का इस्तेमाल कर रहे लोगों की सुविधा के लिए यूएएन आधार को जोड़ने के लिए नई सुविधा शुरू की है। डीआरडीओ ने अपने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रुस्तम 2 फ्लाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये हाई पावर इंजन के साथ यूजर कॉन्फ़िगरेशन में पहली फ्लाइट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया। कैबिनेट ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दालों और ऑयल सीड्स की खरीद के लिए सरकार गारंटी 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी। ये तो थे इस हफ्ते के डेवलपमेंट्स। और डेवलपमेंट्स जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए mygov.in और transformingindia.mygov.in पर।